पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी का 75वीं जयंती वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मधुसूदन त्रिपाठी के नेतृत्व में शास्त्री चौक स्थित गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में कांग्रेस जनों द्वारा उनके चित्र पर माल्यार्पण किया और केक काटकर उनकी जयंती को धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान गोष्ठी में वक्ताओं ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास बड़ा ही गौरवशाली रहा है। इस अवसर पर पूर्व विधायक हरिद्वार पांडे, पूर्व जिला अध्यक्ष सैयद जमाल, राणा राहुल सिंह, निर्मला पासवान, दिनेश चंद श्रीवास्तव, डॉक्टर SP त्रिपाठी, अशोक नारायण धर दुबे, सरदार धीरेन्द्र सिंह, मदन तिवारी सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एडवोकेट मधुसूदन त्रिपाठी ने कहा, राजीव गांधी का 75वां जन्मदिन, जो स्वामी कांग्रेस के प्रत्याशी रह चुके बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के सदस्य मधुसूदन त्रिपाठी जी उपस्थित है, साजनवा के ब्लॉक अध्यक्ष है आलोक शुक्ला जी है, वरिष्ठ पत्रकार सुभाष शुक्ला जी है, एडवोकेट यादव जी है, निर्मला और कनैल मजावा जी शुक्ला यहाँ का भगवा पार्टी भगवा पार्टी के प्रदेश का शुक्ला है, मधुसूदन त्रिपाठी आज कांग्रेस जन हमारे राजीव गांधी जो इस देश के 6ठे प्रधानमंत्री थे 75वां जन्मदिन उनका मना रहा है और उनके द्वारा किए गए कार्यों का यहाँ आज विस्तृत रूप से चर्चा हुई। राजीव गांधी को उस समय कंप्यूटर के युग की शुरुआत किया था, उस समय उन्होंने जो संचार क्रांति लाया था वो आज उसी की देन है कि फल फूल रही है। उन्होंने पंचायती राज को स्वतंत्र बनाने के लिए 73वां संविधान संशोधन लाया था जो लोकसभा में पारित नहीं हो पाया, बाद में हमारे नरसिंहा राव के समय वो पारित हुआ, लेकिन जो नींव डाला था कि हमारे ग्राम को हमारे गांव को खुशहाली होना चाहिए और हमारे BDC हमारे प्रधान जो पंचायतें हैं उनको स्वतंत्रता दिया जाए, स्वतंत्र हो जाए, उसके लिए उन्होंने बहुत काम किया है और उसी का आज देन है कि देश जो है आगे बढ़ रहा है संचार क्रांति से लेकर के, और देश के आज उन्होंने मनरेगा का जो वो किया था उसका भी देख रहे हैं तो उससे भी हमारे देश को काफ़ी लाभ पहुंचा है। उस सारी बातों को हम लोग आज याद कर रहे हैं और याद करके हम लोग उनका जन्मदिन मना रहे हैं खुशी पूर्वक।